अस्सलामुअलैकुम टिप्स टाइम के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से वेलकम। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ एक ऐसा अजीबो गरीब नुस्खा है कि वो चीज आपके घर के किचन में मौजूद है, सोदा सलफ के साथ आप लेकर आते हैं, ऐसी कमाल की चीज है जिसके फायदे आपको तो पता ही नहीं है। अगर पता लग जाए, क्योंकि अभी मैं बताने लगा हूँ आपको, तो आप उल्टी छलांगे मारेंगे, भाग के जाएंगे, पैरों नंगे जाएंगे, जाके आप ये चीज लेकर आएंगे अगर आपके किचन में मौजूद नहीं है तो। खास तौर पे ये उन मुठल अफराद के लिए है जो हर वक्त ये चाहते हैं कि बस हम जैसे ही कोई औरत देखें या कोई फाहिश वीडियो देखें साथ ही हम खंगाल के रहते हैं खुद को, तो उनके लिए ये नुस्खा है। सबसे पहले तो मैं उन्हें कहूंगा कि यार ये उल्टे कामों को छोड़ो और अपनी केयर करें ताकि शादी के काबिल हो सकें, तो उनके लिए ये नुस्खा है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, जब आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप लेंगे तभी आपको एक मुकम्मल फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो से आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचेगा। बाद में फिर आप वही बात है, वही वंजा, वही कुआड़ी होती है, पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी ना वध्या है ना कटिया है, तो बढ़ेगा इस वजह से नहीं, क्योंकि जब आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा वॉच करें, साथ ही साथ आप क्या करें, टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए नुस्खे का बकायदा आगाज करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सफेद चने लेने हैं, 5 से 6 अदद दाने आपने सफेद चने के ले लेने हैं। उसमें आपने क्या करना है, 2-3 छुआरे भी आप ले लेने हैं। छुआरे आपने टुकड़े टुकड़े करके आधा प्याला पानी में रात को आपने भिगो देने हैं और सुबह आपने वो जो छुआरे होंगे वो आपने खा लेने हैं और वो जो पानी होगा वो पी लेना है। चने आपने खाने भी नहीं है और उनको जो ना आपने ऐसे ही रखना है। बाद में आपने क्या करना है, बाद में आपने 1 या 1.5 पाव दूध ऊपर से पी लेना है। इंशाल्लाह कुव्वते बा में हैरान कुन इजाफा होगा, जिस्म में ऐसी ताकत नमूदार होगी कि आपकी 3 बाजू या 3 टांगे हो जाएंगी, इतनी मतलब सख्ती आपके अंदर आएगी, चेहरे पर सुर्खी नमूदार हो जाएगी जिससे आपके अंदर खून की जो रवानगी है वो ज्यादा तेज हो जाएगी। जिन भाइयों को जमा के बाद कमजोरी महसूस होती है उनके लिए ये सोने पर सुहागा का काम करता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। मुझे अब दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।